भाई ही भाई का खून लेने के ऊपर उतारू हो गया। जी हाँ, ये कोई कहानी नहीं है, किसी फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि ये असल के अंदर हुई एक ऐसी घटना है जो सुन करके आपकी रूह कांप जाएगी। ये आप लोग देख सकते हैं, एक बेटा है और एक बाप है, ये बाप है और ये बेटा है, दोनों की हालत आप लोग देख सकते हैं। सिर्फ छोटी सी बात के ऊपर, एक पुश्तैनी इनकी ज़मीन थी, दादा की ज़मीन थी, जिसके ऊपर काफ़ी समय से आपसी मतभेद चल रहा था, आपसी बंटवारा जो है बिल्कुल सही तरीके से नहीं हो पा रहा था। जो ये आप लोग देख पा रहे हैं, इनके पिता इनके भाई हैं, जिनके अंदर प्रॉपर तरीके से बंटवारा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आज इन दोनों की हालत ऐसी हो गई है। और सिर्फ यही नहीं है, मामला यहीं पर ख़त्म नहीं होता। पिछले काफ़ी सालों की रंजिश जो है वो शनिवार की रात को उतर जाती है, जब इनके खेत के अंदर रजवाया आता है, यानी कि जो पानी आता है उसे बंद कर दिया जाता है, घंटे के हिसाब से जब पानी लिया जाता है, तो उसके ऊपर छोटी सी बात के ऊपर कहासुनी हो जाती है। और पिता के जो भाई हैं, उनके बच्चे जो हैं, यानी कि अगर हम रिश्ते के अंदर कहें कि ताऊ दादा जो है, उनसे इनकी लड़ाई हो जाती है और हालत कुछ इस तरीके की कर दी जाती है, जिसे अगर कहें कि जान लेने की कोशिश की गई तो वो भी कम नहीं होगा। क्या है पूरा मामला वो जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि घटना कब की है? भाई इतवार की है, शनिवार महीने शनिवार रात की है जी घटना। 3 बजे हमारा पानी बनता है और हम पानी लेने के लिए गए तो मोरी बंद मिली। सुबह 6 बजे फिर हमने उनको बोला, 6 बजे पानी हमने देना था, और 6 बजे फिर बोला तो उन्होंने 15 मिनट पहले ही पानी बांध दिया। हमने बोला तो फिर वो धमकी देने लगे। हम उनकी थाना में दरख्वास्त देके आए, थाना में दरख्वास्त देते ही उनके जब तक हम पहुँचे थे तो उन्होंने घर रोक लिया हमारा, औरतों समेत सभी बंदे इकट्ठे होके लाठी डंडे लेके हमारे को मारने के लिए आए। पर हम पहले से ही थाना में थे, घर पर नहीं थे, घर पर होते तो घर पर काम कर देते। फिर हम तुरंत 10:15 बजे खेत में गए, फिर खेत में जाते ही हमारे साथ में फिर से वो पहले धमकी दे रखी थी कि 12 बजे से पहले तुम्हारा काम कर देंगे। फिर जी बाद 10:15 बजे हमने पुलिस में फ़ोन मिला दिया था 112 पर। दोबारा फ़ोन मिलाते ही तो वो हमने बोला कि हमारे से वो कम से कम 150-200 फुट की दूरी पर हैं, आप जल्दी आइए ना तो हमारा काम कर देंगे। पुलिस पहुंची आधा घंटा बाद, 112 नंबर की पुलिस। वो सुबह पुलिस आई थी जो 7 बजे के करीब, वो बोले ढंग से फूटो फुटाओ, ऐसे बोला काम नहीं चलेगा, तुम तो रोज़ रिपोर्ट दे देते हो, हम तुम्हारे आते आते परेशान हो लिए। पुलिस वाले भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, 31 दिसंबर से ही रिपोर्ट देते आ रहे हैं और 31 दिसंबर में भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब शनिवार को फिर ये ऐसा काम कर गया। आपकी पानी की बात के ऊपर झगड़ा हुआ था, उस समय झगड़ा आपकी तरफ से शुरू हुआ था या उनकी तरफ से शुरू हुआ था? हमने तो पूछा था जी पानी 15 मिनट पहले क्यों बांधा, आपने आवाज़ देनी चाहिए थी। हमने उनकी वीडियो भी बनाई है मौके की, लेकिन उन्होंने बोले हम नहीं आवाज़ देते, हम तो ऐसे ही करेंगे काम, हम तो बोले हमारी मनमर्जी करेंगे, तुम्हारी थोड़ी सुनेंगे, हम तुम्हारे पास से आए थे। जब मैंने सोचा मैं भाई पानी 6:40 काम वा रहे हैं, उन्होंने 6:24 पे बताया काट दिया, लेकिन 6:24 पे हमारे 5 किले की नाली खाली हो चुकी थी। जब हम गए वहाँ तक 37 मिनट तक हम वहाँ पर पहुँचे तो फिर वो जाते धमकी देने लग गया, हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। हमने कहा भाई हम झगड़ते नहीं, हम अब सीधा पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहाँ जाके रिपोर्ट लिखवाई। आप पानी बंद करने की बात बार बार कह रहे हैं, क्या डाल करके पानी बंद किया गया था? पानी के अंदर जो ईंट पोलोथीन के अंदर ईंट और साथ में कोई मुर्गा या बुगला ऐसी चीज़ थी सफ़ेद, तो वो फिर हमने दोबारा फाँका तो वो दोबारा उस मोरी के अंदर नहीं आया, फिर सीधा रस्ते चला गया। और पुलिस को हम रिपोर्ट देने के लिए गए, 12 फिर आई, पहले मौके पर बुलाना था, मौके पर तो हमारा 1-1.5 घंटा और ख़राब हो गया होता, तो फिर पुलिस कुर्सी पानी दे देती है आगे। अच्छा, जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कि जिन्होंने आपका पानी बंद कर दिया, वो रिश्ते में आपके क्या लगते हैं? वो हमारे पिताजी के ताऊ के पोता पोती लड़के हैं जी वो। तो क्या उनसे आप लोगों की बनती नहीं है या फिर पुरानी रंजिश चली आ रही है? पुरानी रंजिश 87 से कोई ट्रैक्टर निकलवाया था जी, उन्होंने बगैर किस्त भरे बेच दिया था, इन्होंने किस्त भरवाई जबरदस्ती और तभी से वो रंजिश बरतते आ रहे हैं। अब उनका रंजिश भी ऐसी चलती आ रही कि उनको खाने। आप लोगों की पुश्तैनी जमीन को लेकर के भी काफी समय से झगड़ा चल रहा है, मतलब कितनी जमीन थी जो आप लोगों को लेनी थी और कितनी जमीन है जो आप लोगों की अभी तक पूरे तरीके से बंटवारा नहीं हो पाया है? हमारी जी जमीन अभी 3 कनाल उन्होंने ज़बरदस्ती बोई है और हम उसका मुआवजा मांगते हैं, तो फिर भी वो हमारे को धमकी देते हैं कि बोले तुम्हारे को लठ देंगे। और अब पिताजी को गंडा से और लठ और
बंदूक बंदाक सब सौदा उनके पास था, अगर हम मार देते थे तो हमारे को सीधी गोली मारते, फिर पुलिस के हमारे को बचा लेती। बिल्कुल, अगर सिर की बात करूँ तो सिर के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा चोटें आई है, क्या सिर के ऊपर भी गंडासी से वार किया है? ऊपर सिर्फ गंडासी से वार किया जी, आप देखो 18-20 टाँके आए हुए हैं सिर के अंदर दो जगह पर, और यहाँ पर देखो पिछले निशान देखो पिताजी के, हमारे निशान देखो कैसे कैसे हैं, तो बिल्कुल जानलेवा हमला किया। और ये बोलते थे मारते समय कि इनके हाथ पांव काट दो, सर पिताजी को जब तो काट रहे थे तब तक तो कोई एक दो बंदा और आ गया, फिर वो छोड़ के भाग गई। अब ये सिर में भी हमारे भी टांके आए हुए पीछे, ठीक है, हमारे भी निशान है टांके आए। कहाँ के रहने वाले हो आप लोग? गांव खरकपुनिया जिला। खरकपुनिया बरवाला के अंदर पड़ता है, लेकिन जब आप लोगों को चोट लगी तो आप क्या सीधा हिसार आ गए थे? नहीं जी, हमारे को पहले तो बरवाला रेफर किया गया, एम्बुलेंस ले गया, वहाँ से सिसाई भेज दिया गया, सिसाई से हांसी भेज दिया गया, हांसी से वापस बरवाला भेज दिया गया। हमारे को इलाज मिलने की बजाय धक्के ही खाने पड़े, उन्होंने डॉक्टर को पैसा दिया या पुलिस को पैसा दिया, पुलिस तो बिकी हुई है, हम 31 दिसंबर से ही उनकी रिपोर्ट दे रहे हैं 2022 से। तो क्या आप लोगों का जो ये झगड़ा है वो पहले से चलता आ रहा है? जी मेरे नागे तो कदे ही दुश्मन है, आप इन भाई से मतलब ज्यादा ना पूछो। बचपन से कितने भाई हो आप लोग? हम दो दो भाई हैं। हाँ, तो जो जिन्होंने चोट मारी है वो आपके दूसरे भाई के बच्चे हैं? भाई नहीं, ताऊ के पोते हैं, मेरे बाप और तीन भाई हैं जी। अच्छा, आपके बाप के तीन भाई के बच्चे हैं? दो भाई, तीन भाई जिंदा है इसके, और अब वो पोता पोते आ गए सभी। वो पाँच आदमी मौके पर थे, सुदेश, रमेश, वो गोलू, ये दीपक और निशांत, पांच आदमी मौके पर थे, बाकी रास्ता रोके खड़े थे। सुबह औरतों समेत कम से कम भी 10-12 आदमी थे या 15। क्या अगर अभी की बात करूँ तो अभी चोट मारने के बाद क्या कोई धमकी भी दी है? चोट मारने के बाद अभी तो वो मेरे को हमारी तरफ कड़वे कड़वे देखते हैं कि आज भाई हम इनका काम करवाएंगे। अभी वो रंजिश में है। जान से मारने की कोशिश की गई थी? जान से मारने की कोशिश की गई थी, पिताजी तो नाली में उथल उथल के पड़ रहे थे, और उन्होंने सोचा भाई हम चले जाएंगे नाली में डूब के मर जाएगा ही, बस वो ऐसी हालत में छोड़ गए। पुलिस तब तक आई, हम तब तक हम कराते रहे, पुलिस ने हमारे को उठाया गया, हमारे उठने की कोई हालत सही नहीं थी, हमारे और अड़ोसी पड़ोसी ने हमारे को पानी पिलाया। खेती हमारी उम्र 44-45 की है, पिताजी की 65-70 के करीब है जी। तो आपको बता देते हैं कि पारिवारिक आपस के अंदर झगड़ा होता है और पुराना रंजिश चली हुई आ रही है, क्योंकि ज़मीन को लेकर के, ज़मीन जो है दादा लाई ज़मीन थी जिसका अभी तक बंटवारा पूरे तरीके से नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से आज हालत इस तरीके की कर दी गई है, क्योंकि जो झगड़ा है वो रोज़ाना की तरह वैसे ही बढ़ता चला गया। क्या पहले भी इस तरीके का कोई हमला हुआ है? हमारे जो दादाजी ऐसी कुछ बदमाशी टाइप से थे, उन्हीं की तरफ लगते थे, और वो अमीलाल के परिवार से हैं। क्या पहले ऐसा कोई झगड़ा हुआ है? हाँ जी, पहले भी वो हमारे दादा की वो ऐसे पीटते थे, दादाजी उन्हीं की तरफ लगते थे, दादाजी को भी उन्होंने कई बार पीटा, दादी को भी पीटा, पिताजी को भी पीटा, ताऊ को भी पीटा, हमारे ऊपर भी अभी 21-21-3 से ही कुछ ऐसे मामले हैं जो हम पहले भी रिपोर्ट दे चुके हैं, पहले से हमारा कोर्ट में केस चले हुआ है, बार बार पुलिस को भी सचेत करने के बाद भी हमारे को पीट जाते वो। आपको बता देते हैं, लगातार खेत के अंदर आ करके इनके ऊपर हमला किया जाता है, इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, और आपकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि ज़मीन का ये विवाद आज जो है किसी की जान लेने का कारण बन सकता है। खैर, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और आपकी जो भी राय वो नीचे कॉमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके ज़रूर बताइए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, हिसार के सिविल अस्पताल से। नमस्कार।